जय हिंद यार साथियों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रुदौली ट्रांसैक्शन क्लब। एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जाफराबाद से बाराबंकी तक दोहरीकरण के कार्य कम्प्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अब बाराबंकी रेलवे स्टेशन से लेकर मल्हौर रेलवे स्टेशन तक तीसरी एवं चौथी लाइन डाली जानी है, जिसका कार्य शुरू हो चुका है। तो आज हम उसी पर अपडेट देंगे आपको, क्योंकि इस सेक्शन पर ट्रेनों का ट्रैफिक ज़्यादा होता है और यहाँ बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर दो तरफ से रूट आकर मिल जाते हैं। एक हमारा अकबरपुर अयोध्या रुदौली होते हुए और दूसरा हमारा गोरखपुर बस्ती गोंडा होते हुए रूट आकर हमारे बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मिल जाता है। इसके बाद आगे चलकर मल्हौर रेलवे स्टेशन तक डबल रूट से ट्रेनों का संचालन होता है, जहां से फिर दो दिशाओं में ट्रेन चली जाती हैं, एक दिलकुशा होते हुए चारबाग तक एवं दूसरा रूट हमारा गोमती नगर से बादशाह नगर डालीगंज होते हुए ऐशबाग के रास्ते आगे की तरफ निकल जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से लेकर मल्हौर रेलवे स्टेशन तक ट्रेनों का ट्रैफिक काफ़ी अधिक हो जाता है, जिस कारण से अब यहाँ पर तीसरी एवं चौथी रेल लाइन डालने का फैसला किया गया है और इस पर काम भी शुरू हो चुके हैं। मौजूदा समय में वहाँ पर कार्यों की क्या ताज़ा स्थिति है, आज हम उसी के बारे में अपडेट देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सामने की तरफ देखिए, ये हमारी योग नगरी ऋषिकेश से हावड़ा जाने वाली दून एक्सप्रेस आ चुकी है और आज हम बरौनी से चलकर ग्वालियर जाने वाली बरौनी ग्वालियर मेल से आपको तीसरी एवं चौथी रेल लाइन पर अपडेट देंगे। हमारी ट्रेन ग्वालियर मेल जो कि बाराबंकी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्चर ले चुकी है, बगल में हमारी योग नगरी ऋषिकेश से चलकर हावड़ा जाने वाली दून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी हुई है। ये बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन है, कल इस पर मैंने आपको अपडेट दी थी, जो यहाँ पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नई बिल्डिंग बनाई जानी है और बहुत सारे काम होने हैं बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो अब आगे की तरफ चलिए और आपको हम बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन से लेकर पार्ट एक में आज आपको सफेदाबाद रेलवे स्टेशन तक जो तीसरी एवं चौथी रेल लाइन डाली जानी है उस पर अपडेट देंगे। बाराबंकी से जो हमारा अयोध्या वाला रेलखंड है, इस पर जब यहाँ दोहरीकरण का कार्य कंप्लीट हुआ था हमारे रसौली रेलवे स्टेशन से लेकर बाराबंकी रेलवे स्टेशन तक, तो बाराबंकी जंक्शन पर यार्ड रिमॉडलिंग के लिए 35 दिनों का लंबा मेगा ब्लॉक लिया गया था और यहाँ पर 35 दिनों में यार्ड की रिमॉडलिंग की गई थी। इसके साथ ही जो हमारा तीसरा एवं चौथा ट्रैक डाला जाना है, उसके लिए बाराबंकी जंक्शन रेलवे यार्ड में सभी कार्य कम्प्लीट कर लिए गए हैं। और जो हमारा मल्हौर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर भी तीसरे एवं चौथी रेल लाइन के लिए आगे तक ट्रैक को डालकर स्टॉपर लगा दिया गया है। सेम वैसे ही बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भी जो दो तीसरी एवं चौथी रेल लाइन डाली जानी है उसको आगे तक डालकर वहाँ पर स्टॉपर लगा लिया गया है। और जब भविष्य में यहाँ पर तीसरी एवं चौथी रेल लाइन डाली जाएगी तो कोई भी मेगा ब्लॉक नहीं लेना पड़ेगा और सभी कार्य आसानी से हो जाएंगे। फिलहाल सफेदाबाद रेलवे स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के लिए वहाँ पर मेगा ब्लॉक लेना पड़ेगा। बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन से मल्हौर तक ट्रेनों का ट्रैफिक बहुत अधिक होता है, क्योंकि बाराबंकी जंक्शन पर गोरखपुर वाला ट्रैक आकर मिलता है और आपको पता ही है कि गोरखपुर सबसे बिजी रूट है और इस पर बहुत सारी ट्रेनों का संचालन होता है। साथ ही अब अयोध्या रूट पर भी ट्रेनों का संचालन बढ़ चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको दिखाएंगे कि जो तीसरी एवं चौथी रेल लाइन डाली जानी है उसके लिए बाराबंकी में क्या क्या काम कर लिए गए हैं। यहाँ देखिए, जो हमारा पुराना ट्रैक है उस पर स्टॉपर लगा दिया गया है और इसके बगल नया ट्रैक डाला गया है और आगे की तरफ अभी एक ट्रैक और डाला जाएगा, जिसकी भी हम आपको अपडेट देंगे।
ये ट्रैक आगे की तरफ चला जाएगा और यहाँ पर जो रेत नदी पड़ती है वहाँ पर अभी ब्रिज बनाने का काम चल रहा है। बगल में आप देखिए यहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कर लिया गया है, जो रेल बेड बनाया गया है यहाँ पर एक ट्रैक और डाला जाएगा। और जो ये ट्रैक है हमारा, ये जो ट्रैक आगे की तरफ उखाड़ा गया है, ये ट्रैक जिस पर हमारी ट्रेन चल रही है इससे आकर मिल जाएगा। और बगल आप देख सकते हैं यहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के काम कंप्लीट कर लिए गए हैं और यहाँ पर अब सिर्फ रेल बेड बनाकर यहाँ पर ट्रैक को डाला जाएगा, क्योंकि आगे की तरफ रेत नदी है और उस पर अभी ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। जैसा कि आप आगे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर दीवार बनाने का काम चल रहा है और यहाँ पर इसके बाद मिट्टी की भराई का काम होगा। ये हमारी रेत नदी है जिस पर अभी ब्रिज बनाने का काम शुरू होगा और अभी यहाँ पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। फिलहाल प्राथमिक चरण में जो हमारी दीवार बनाई जाती है मिट्टी को रोकने के लिए, उसका काम शुरू कर दिया गया है। बैलास्ट को लाने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। रेल बेड पूरी तरह से बनकर तैयार है। जो हमारे दो नए ट्रैक आएंगे वो इसी साइड में आएंगे और फिर आगे की तरफ जो हमारा सफ़ेदाबाद रेलवे स्टेशन की आउटर है वहाँ से ट्रैक, फिर एक ट्रैक लेफ्ट साइड और एक ट्रैक राइट साइड पर डाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस इसी तरफ है तो इसी तरफ दोनों ट्रैक डाले जाएंगे। उसके बाद आगे चलकर फिर ट्रैक को एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड पर डाला जाएगा। अभी हम उसकी भी अपडेट आप लोगों को देंगे। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको दरियाबाद रेलवे स्टेशन से अपडेट दी थी और उसके बाद शाम को मैंने सैफ खानपुर रेलवे स्टेशन की ताज़ा अपडेट दी थी कि वहाँ पर क्या काम हुए हैं। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे पुल पुलिया का निर्माण कार्य कर लिया गया है। ढेर सारे डंपर मशीन यहाँ पर खड़ी हुई हैं। लेवल क्रॉसिंग के आगे भी रेल बेड बनाने का काम पूरा कर लिया गया है और जो छोटे छोटे पुल पुलिया का काम होता है उसको पहले ही यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में पुलिया का निर्माण कार्य पूरा है और रेल बेड बनाने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पर अब रेल बेड पर बैलास्ट को पहुँचाया जाएगा जिससे कि उसको यहाँ पर बिछाकर ट्रैक डालने का काम शुरू होगा। इस रेलखंड पर सबसे ज़्यादा जो ट्रेनें लेट होती हैं वो लखनऊ चारबाग से दिलकुशा तक और उसके बाद जो मल्हौर से हमारा बाराबंकी वाला सेक्शन है यहाँ पर ट्रेनें ज़्यादा लेट होती हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि लखनऊ चारबाग से ट्रैक तीन तरफ को चले जाते हैं। एक हमारा बाराबंकी की दिशा में और दूसरा उतरेठिया जंक्शन की तरफ, और उतरेठिया जंक्शन से फिर ट्रैक दो तरफ चला जाता है, एक सुल्तानपुर और दूसरा रायबरेली की तरफ, जिस कारण से यहाँ पर ट्रेनों का ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है और दिलकुशा केबिन से लखनऊ चारबाग तक ट्रेनें रेंग कर चलती हैं। इस कारण से वहाँ भी तीसरा और एवं चौथा ट्रैक डाला जाएगा। यहाँ पर देखिए पुल पुलिया का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और जैसा कि अब रेल बेड बनाने का काम इधर भी शुरू कर दिया गया है। और इसके बाद जो हमारा मल्हौर से बाराबंकी वाला रेलखंड है यहाँ पर भी दो तरफ से ट्रेनें आकर मिल जाती हैं, एक दिलकुशा चारबाग की तरफ से एवं जो दूसरा ट्रैक है वो बादशाह नगर गोमती नगर के रास्ते आकर मल्हौर में मिल जाता है। इसके बाद इस सेक्शन पर भी ट्रेनें रेंग कर चलती हैं। जैसा कि कल मैंने गरीब नवाज एक्सप्रेस से यात्रा की तो पहले हमारी ट्रेन मल्हौर रेलवे स्टेशन पर इसको स्लो किया गया, क्योंकि आगे की तरफ बादशाह नगर से जो ट्रेन आई थी उसको निकाला गया था। उसके बाद सफ़ेदाबाद रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन को 15 मिनट तक रोक कर रखा गया, क्योंकि जब तक ट्रेन बाराबंकी जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच जाती तब तक वहां से आगे की तरफ ट्रेन को सिग्नल नहीं दिया जाता है। इसके बाद जब हमारी ट्रेन सफ़ेदाबाद रेलवे स्टेशन से चली तो वो ट्रेन रेत नदी पर खड़ी हो गई आउटर पर, क्योंकि बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जो गोंडा गोरखपुर रोड की ट्रेनें होती हैं उनका संचालन प्लेटफार्म नंबर 3 एवं 4 से किया जाता है, जिस कारण से जब यह ट्रैक अप लाइन पर आना होता है तो वहाँ पर जो हमारी डाउन लाइन की ट्रेनें होती हैं उनको आउटर पर रोक कर रखा जाता है और ट्रैक क्लियर होने के बाद ही वहाँ से डिपार्चर का सिग्नल होता है। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं सफ़ेदाबाद रेलवे स्टेशन के आउटर पर और यहाँ पर अभी रेल बेड बनाने का काम नहीं हुआ है।
अब यहाँ पर भी कार्यों में तेजी आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी ट्रेन अब धीरे धीरे सफेदाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुँच रही है। आगे की तरफ ट्रेन जा रही है, जिस कारण से हमारी ट्रेन को भी सफेदाबाद रेलवे स्टेशन पर स्लो किया गया। और जब तक वो ट्रेन मल्हौर स्टेशन से आगे नहीं निकल जाती, तब तक इसको डिपार्चर का सिग्नल नहीं मिलेगा। तो यही कारण है कि यहाँ पर अब तीसरा एवं चौथा ट्रैक डाला जाएगा, और ताकि भविष्य में निर्बाध तरीके से इस ट्रैक पर भी ट्रेनों का संचालन शुरू हो, और जो गोंडा गोरखपुर रोड की ट्रेनें हैं उनके लिए दो नए ट्रैक अलग कर दिए जाएंगे, और जो हमारे एनआर साइड के ट्रेनें हैं उनके लिए दो ट्रैक अलग कर दिए जाएंगे। फिर बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन से जिस ट्रेन को लखनऊ चारबाग भेजना होगा और जिस ट्रेन को लखनऊ जंक्शन भेजना होगा, उसको यहीं से ट्रैक निर्धारित कर दिया जाएगा और वह ट्रेनें उसी ट्रैक पर चली जाएंगी। आगे फिर मल्हौर रेलवे स्टेशन पर कोई भी क्रॉसिंग की संभावना नहीं बनेगी और बिना किसी रुकावट के ट्रेनें अपने अपने रूट पर निकल जाएंगी। फिलहाल आज के पार्ट वन में अपडेट थी बाराबंकी से सफेदाबाद तक। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं पार्ट टू में सफेदाबाद से मल्हौर तक। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।